महाराष्ट्र के अकोला में नकली लहसुन बेचने का मामला सामने आया। यहाँ अभी भी लहसुन की कीमत काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में लहसुन के बीज सीमेंट से बने नकली लहसुन मिलाकर कुछ सब्जी वाले लोगों को बेच रहे हैं। लोगों का कहना है कि अकोला में कई इलाकों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। फेरी वाले लोगों को नकली लहसुन बेच कर चले जा रहे हैं। अकोला शहर के बाजोरिया नगर के रहने वाले पुलिस विभाग सेवानिवृत्त सुभाष पाटिल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी पत्नी घर के सामने आए फेरी वाले से लहसुन खरीदती हैं। घर आने के बाद जब ये लहसुन छिलने लगती हैं तो उसकी कली अलग ही नहीं हो रही थी। चाकू से काटने पर भी कली अलग नहीं हो रही थी। जब लहसुन पर गौर किया गया तो वह सीमेंट से बना पाया गया। सीमेंट से लहसुन बनाकर उस पर रंग चढ़ा दिया गया था जो दिखने में असली लहसुन की तरह लग रहा था। इसके बाद उस लहसुन को चाकू से काटा गया, तब अंदर से पेंट हट गया और सीमेंट का टुकड़ा बाहर निकल गया।